नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज का वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आरआरबी इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है और आज है 14 सितंबर 2021। आप लोग सभी के मन में एक ही डाउट होगा कि आखिर रिजल्ट कब तक होगा और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा। तो इस वीडियो से दोनों आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सच में बहुत कम जाने वाला है। इस पर आप देख सकते हैं, आज के डेट में आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट निकला हुआ है। आप अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला अपडेट हुआ। दूसरा अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, तो ये आपको कट ऑफ दिख रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोग को मैं कुछ बता सकूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एमआई कैटेगरी का कट ऑफ है, ठीक है। तो पहले मैं कट ऑफ के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, फिर आप लोग को रिजल्ट का डेट भी बता दूंगा कि कब तक रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जितने भी रिजल्ट थे एमआई कैटेगरी के या जो भी रिजल्ट थे पेंडिंग वो आ चुका है। जो पहले एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, बस एनटीपीसी का रिजल्ट अब बाकी है। तो एनटीपीसी का भी रिजल्ट आपको सितंबर लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ रिजल्ट का अपडेट, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, फाइनल आंसर की भी आपका रिजल्ट के साथ आएगा, क्योंकि इन्होंने फाइनल आंसर की भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर फॉर इसके जो भी आपने दिया था फाइनल वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपने स्कोर कार्ड के साथ आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, फाइनल आंसर की देख सकते हैं। अब देखिएगा जनरल और जनरल और ईडब्ल्यूएस में कितना अंतर है कटअप का। जैसे देखिएगा ये जो कटअप गया मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का, पहला पोस्ट है स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट है, पहला पोस्ट क्या है जूनियर स्टेनोग्राफर इन हिंदी। तो यहाँ देखिएगा 128 कट ऑफ गया 200 में से, मतलब 64%, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बोला जाएगा इसको, 200 में से 64% ही गया, जबकि वैकेंसी भी कम थे, कैंडिडेट भी कम थे। यहाँ पे लगभग 1-2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे यहाँ पे। और देखिए जनरल का अगर 128 कट ऑफ गया है तो ईडब्ल्यूएस का कितना गया, 114 नंबर, 14 नंबर का गैप है। ओबीसी का देखिएगा हर जगह ज़्यादा है, 118 नंबर है। और एससी एसटी का तो देखिए एससी से भी नहीं, एससी एसटी का तो कट ऑफ कम ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स सर्विस मैन का भी काफ़ी लोग बोलते हैं तो 92 नंबर केवल गया, तो एक्स सर्विस मैन का तो हमेशा कम ही जाएगा, ठीक है। वीआई कैटेगरी का देख लीजिएगा। अब यहाँ कंपेयर कीजिएगा जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 159 नंबर कट ऑफ गया है, मतलब 75%, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, हिंदी वाले बच्चे कम होते हैं। और ईडब्ल्यूएस का देखिए कितना कम गया है, केवल 107 नंबर, केवल 107 नंबर जिन्होंने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया था उनका केवल 107 नंबर गया है। तो देख सकते हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में कितना गैप है कट ऑफ को लेके, ठीक है। जहाँ भी आप देखेंगे ना ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम गया है, और ये अच्छा खबर है अगर आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया है तो। अब सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का मांगा जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी का मांगा जाएगा। आप निश्चिंत होके एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपको मान लीजिए कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये सभी जो भी पीडीएफ है ना सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, नॉलेज बज, जो चैनल का नाम है ZZZ दीजिएगा बज में, उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा। कुछ 1200-1300 सब्सक्राइबर होंगे, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था, मैंने बता दिया कि आपका जो एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा कब तक आ जाएगा। एनटीपीसी का रिजल्ट है अक्टूबर फर्स्ट वीक या सितंबर लास्ट वीक, और जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का वो काफ़ी कम जाने वाला है। मतलब जनरल और ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं कितने नंबर का गैप है, कोई भी पोस्ट का एग्जांपल लीजिए, 14 नंबर का यहाँ गैप हो गया, यहाँ देखिए कितने नंबर का गैप है, 53 नंबर का गैप है, मतलब जमीन आसमान है, बहुत ज़्यादा फर्क है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो लगभग मान लीजिए कि एनटीपीसी में किसी जोन में जनरल का 70 जाता है तो ईडब्ल्यूएस 50 में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 50 में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 50 नंबर भी आपके बनते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो भी आप क्वालिफाई होने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपडेट है, और बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि आप लोग का कट ऑफ कम जाने वाला है और बहुत ही आसानी से आप लोग का होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़।